नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। टेढ़ा गाज पंचायत चिलनिया वार्ड 13 चैनपुर चौक में आंधी आने पर रोड में पेड़ गिरने से रोड जाम और बिजली का तार सटा हुआ है। बिजली विभाग से अब तक कोई टीम नहीं पहुंच पाई है। आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किशनगंज में तेज बारिश आंधी से हुआ लाखों का नुकसान। कई ऐसी सड़कों पर पेड़ एवं घरों की टीम उड़ा ले गया। इस आंधी से काफी नुकसान देखने को मिला है। सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों जाम में लोग परेशान। लोगों का कहना है कि अब तक बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों के बीच में अब तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई है। वहीं ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव। गाज कब गिरा है? ये तो आंधी तूफान में गिरा था रात में। अभी देखिए ये हाल कैसा हो गया, बिजली बत्ती का घर द्वार सारा चीज खत्म हो गया। ये जो तार सटा हुआ है इस वृक्ष से, अभी तक नहीं आया बिजली विभाग से कोई आया है? नहीं आया है। रोड भी जाम है? जी, रोड भी जाम है। देखिए टेढ़ा गाज के चिलनिया पंचायत वार्ड नंबर 13 जो कि चैनपुर हटिया के पास, ये आंधी से देख लीजिए कैसा। उधर मंदिर भी साइड में दीवार खबाड़ दिया। मंदिर भी? हाँ, मंदिर भी तोड़ दिया साइड में। मंदिर क्या पक्की का था? पक्का का था, उसका दीवार भी गिर गया है। उसका भी दीवार गिरा दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।